और कर्नाटक में कांग्रेस नेता अंबिका पति के आवास पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मिलने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस की अगर कोई गारंटी है तो वो करप्शन की गारंटी है। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल, ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है। और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए कर्नाटक एक एटीएम बन गया है। इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने, और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है कर्नाटक एक एटीएम बनेगा, और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने हमारा ये जो प्रिडिक्शन सच आया है, अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लूटो यात्रा का एक एटीएम। और भाजपा नेता राजीव